नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेडियाट्रिक्स एंड पेरेंटिंग वीडियोस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम आपको बच्चों में मोशन सिकनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ बच्चे जब बस या कार में सफ़र करते हैं तो उस दौरान उनको चक्कर आ जाती है या उल्टी हो जाती है या मितली आती है, तो ये सब लक्षण मोशन सिकनेस के हैं। और ख़ासकर जब आप हिली एरिया में सफ़र करते हैं जिसमें कि जहाँ की सड़कें घुमावदार होती हैं, तो वैसे स्थिति में ये जो मोशन सिकनेस है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और सबसे ज़्यादा तो जब आप समुद्र में ट्रेवल करते हैं, जहाज़ पे, शिप पे ट्रेवल करते हैं, तो उसमें मोशन सिकनेस सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन जब प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट, जैसे आप हवाई जहाज़ में ट्रेवल करते हैं, तो उसमें कंपैरेटिवली मोशन सिकनेस कम होता है, या यूँ कहें कि नहीं के बराबर होता है। अब ये मोशन सिकनेस होता क्यों है? तो ये जो मोशन सिकनेस है, ये बेसिकली हमारे आँखों के परसेप्शन और हमारे कानों के परसेप्शन, इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट के कारण होता है। जब आप बस में चल रहे होते हैं तो, और आप बस में अंदर की तरफ देख रहे होते हैं, तो आपकी आंखें ये परसीव करती हैं कि आपके सराउंडिंग में, बस के अंदर सब चीज़ स्थिर है, अपनी जगह पे है, मीन्स स्टैटिक है। लेकिन आपकी जो कान है, जो आपके कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम है, तो वैसे स्थिति में जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो बस की गति को परसीव करता है। मतलब कि आपके कानों की जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो बस के गति को, मोशन को परसीव करता है, जबकि आपकी आँख एक स्टैटिक इन्वायरमेंट को परसीव करती है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट, मोशन और स्टैटिक, इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है और जिसके कारण ये मोशन सिकनेस के लक्षण आते हैं। और ऐसा देखा गया है कि कुछ फैमिली में ये ज़्यादा कॉमन है, और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इसका कोई जेनेटिक रीज़न भी हो। तो ये तो हुई मोशन सिकनेस के कारण की बातें। अब मोशन सिकनेस के बचने के क्या उपाय हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मोशन सिकनेस के कारण बच्चे या वयस्क दोनों ही डरे हुए होते हैं। जब वो ट्रैवल प्लान करते हैं तो वो परेशान रहते हैं कि बस में क्या होगा, उल्टी हो जाएगी, चक्कर आएगा, क्या करें नहीं करें, तो ये काफ़ी मानसिक उलझन हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप मोशन सिकनेस से निजात पाएंगे। सबसे पहले कुछ सावधानियाँ, कुछ ज़रूरी बातें, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फ्रंट सीट पे बैठें। जब भी बस या कार पे बैठते हो तो आप या आप अपने बच्चे को फ्रंट सीट पे बैठाएं और हमेशा खिड़की से बाहर देखें। खिड़की से बाहर देखें और आपका डायरेक्शन बस जिस गति में चल रहा हो, जिस दिशा में चल रहा हो, आप उसी दिशा में देखते रहें। तो फ्रंट सीट पे बैठे और आप खिड़की से बाहर बस की दिशा में ही देखते रहें। इससे क्या होगा ना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टैटिक और मोशन का होता है वो नहीं होगा। आपकी आँख भी मोशन परसीव कर रही है और आपका जो कान है,
वेस्टिबुलर सिस्टम है कान में, वो भी मोशन परसीव कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो मोशन सिकनेस होने की संभावना कम है। दूसरी चीज़ यह है कि आप ट्रैवल करने से पहले हल्का खाना लें, मसालेदार भोजन नहीं लें, ज़्यादा तेल या घी का सेवन नहीं करें। ये ट्रैवल करने से पहले ये सब बातों का ध्यान रखें। तीसरी बात है कि आप उसमें जब लंबी सफ़र हो तो आप जो है ना नींद ले सकते हैं, मतलब आप अपने आँखों को बंद करके आराम से लेट सकते हैं। तो जब आप आँखों को बंद रखेंगे तो फिर आपका जो आई है, विजन है, वो परसीव नहीं करेगा स्टैटिक, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तो उससे भी मोशन सिकनेस कम होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो काफ़ी कारगर हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अदरक, जिंजर। आप सूखा हुआ अदरक मुंह में ले सकते हैं, उसे चूस सकते हैं, आप अदरक की चाय का चुस्की ले सकते हैं, और आप च्युइंगम, कोई भी च्युइंगम लेकर मुंह में रख सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं, आप इसका उपयोग ज़रूर करें। और कुछ दवाएं भी मोशन सिकनेस में उपयोगी होती है, जैसे फिनार्गन का टैबलेट, एवोमीन का टैबलेट। और इस दवा को आप अपने सफ़र शुरू करने से एक दो घंटे पहले लें, तब भी फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।